कर्नाटक के वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एस एम कृष्णा के दामाद और कॉफी चैन कैफे कॉफी डे के मालिक वीजे सिद्धार्थ 29 जुलाई से लापता है। सिद्धार्थ के अचानक लापता होने से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने उनकी तलाश में जुटी है। वहीं पुलिस सुसाइड की आशंका भी जता रही है। बताया जा रहा है कि सोमवार शाम से उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। उनके अचानक लापता होने से पूरा परिवार परेशान है। सिद्धार्थ के लापता होने के बाद दक्षिण कन्नड़ पुलिस ने तेजी से खोजबीन शुरू कर दी है। इधर पूर्व सीएम कृष्णा के घर मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार सहित अन्य नेता पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ बिजनेस के सिलसिले में कार से सोमवार को चिकमंगलूर गए थे। इसके बाद वो केरल जा रहे थे, किंतु मंगलूर के एक नेशनल हाईवे पर उन्होंने ड्राइवर से कार रोकने के लिए कहा और गाड़ी से उतर गए। इस दौरान वो किसी से बात कर रहे थे, मोबाइल पर बात करते करते अचानक गायब हो गए। जब करीब एक घंटे तक नहीं लौटे तो ड्राइवर ने फोन किया तो बंद मिला। गौरतलब है कि सिद्धार्थ जिस जेपी नाम ओगारो जगह पर उतरे वो नेत्रावती नदी के किनारे है। दक्षिण कन्नड़ पुलिस के डीसीपी हनुमथरैया और लक्ष्मी गणेश ने ड्राइवर से पूछताछ कर जरूरी सूचनाएं ली हैं और सिद्धार्थ को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। सिद्धार्थ के लापता होने के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। सिद्धार्थ ने कैफे कॉफी डे के कर्मचारियों और निदेशक मंडल को पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने कहा था कि हर वित्तीय लेन देन मेरी जिम्मेदारी है, कानून को मुझे और केवल मुझे जवाबदेह रखना चाहिए। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।